नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है सामान्य विज्ञान के IMP MCQs का पार्ट 3। दोस्तों, पार्ट 1 और 2 में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हर बार की तरह एक निवेदन है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है 101 से। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण का क्षमता होती है? कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है चना एवं अन्य दलहन फसलों में, जो दलहन पौधे होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? इसका होता है दोस्तों कितना, 24 घंटे। इसके बाद अगला प्रश्न, आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई क्या है? इसका आंसर है हर्ट्ज। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रतिलिपि के दौरान उस DNA स्थल जिस पर RNA पॉलीमरेज जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, जिसमें DNA स्थल और RNA पॉलीमरेज जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों प्रमोटर। इसके बाद अगला प्रश्न, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा, है क्या प्रक्रिया करेगा? तो वह चंद्रमा पर फट जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, घूर्णन करती एक गोल मैच पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मैच में कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, इसका आंसर है उसका कम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। इसका आंसर दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, बर्फ के नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस की तक ही रहता है। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, अमोनियम क्लोराइड का घोल किसे कहते हैं? तो इसे कह रहे हैं दोस्तों एसी डेक के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न, पानी के भरे ग्लास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुद्रा दिखता है, यह किस कारण से होता है? तो इसका आंसर दोस्तों किसके, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न, मानव में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो कितने, 12 जोड़े होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर दोस्तों 3 × 18 मीटर सेकंड। इसके बाद अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वह धातु का नाम है क्रोमियम। इसके बाद अगला प्रश्न, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो यह इसका आंसर है 746 वाट। इसके बाद अगला प्रश्न, साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी पौधे का अध्ययन करने वाले शाखा को कहते हैं एलेरीकल्चर।
इसके बाद अगला प्रश्न, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, कौन सी धातु मिलाई जाती है दोस्तों, कौन सी तांबा धातु मिलाई जाती है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो कौन सी दोस्तों, द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, बालचंद्र क्या है, बालचंद्र क्या है, तो इसका आंसर दोस्तों, बालचंद्र चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे क्या कहते हैं, बालचंद्र कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता। इसके बाद अगला प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो इसका आंसर है कैलोरी में। इसके बाद अगला प्रश्न, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो है इसका आंसर है डायोप्टर। इसके बाद अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है थॉमसन ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, इसका आंसर है टिश्यू कल्चर। इसके बाद अगला प्रश्न, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, न्यूटन की प्रथम गति का नियम क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है जड़त्व का नियम कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण अपने आगे बढ़ता है, किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो इसका आंसर है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा, यानी कि घोड़ा नीचे पांव रखता है और जमीन पृथ्वी से भी जो बल लगता है उसे आरोपित बल कहते हैं, और उसके कारण ही घोड़ा आगे बढ़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है रदरफोर्ड ने। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस विषाणुओं को क्या कहते हैं, उन विषाणुओं को क्या कहते हैं जो जीवाणुओं में संक्रमण करते हैं और उनके भीतर प्रत्युगुणन करते हैं और उनका अपघटन कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनका नाम है लायनी। इसके बाद अगला प्रश्न, सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है, तो इसका आंसर है गामा किरणों की। इसके बाद अगला प्रश्न, परमाणु क्रमांक कहते हैं किसे, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, नाभिकीय में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को। इसके बाद अगला प्रश्न, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है, इसका आंसर है दूषित भोजन तथा जल के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है, मस्तिष्क की बीमारी को कैसे पहचाना जाता है, तो इसका आंसर है ECG द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न, शहद का प्रमुख घटक कौन है, तो इसका आंसर है फ्रैक्टोज। इसके बाद अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, कहाँ पर संचित रहता है, यकृत में संचित रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। इसके बाद अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, तो उसका आंसर है पोटेशियम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, श्वेत या सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है, तो इसका आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि शरीर को रोगों से बचाना। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ण का व्यक्ति सर्वदाता होता है, या किस ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता होता है, तो वह ओ पॉजिटिव का होता है, ओ ग्रुप का व्यक्ति। इसके बाद अगला प्रश्न,
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव का पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका आंसर है छोटी आंत में। इसके बाद अगला प्रश्न, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है या अधिकता होती है? तो इसमें हो कौन सी मछलियों के तेल में विटामिन डी की अधिकता हो पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? गाय के दूध का रंग पीला होता है किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। इसके बाद अगला प्रश्न, ऊष्मा का सर्वोच्च चालक क्या है? ऊष्मा का सर्वोच्च चालक क्या है? तो क्या पारा है। इसके बाद अगला प्रश्न, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रसायन नाम क्या है? तो इसका आंसर है एथेनोइक एसिड। इसके बाद अगला प्रश्न, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? तो इसका आंसर है दोस्तों एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशिया क्या होता है? यह होता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो यह खोज की थी दोस्तों चेचक के टीके की। इसके बाद अगला प्रश्न, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो इसका आंसर है सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने की थी पेनिसिलिन की खोज। इसके बाद अगला प्रश्न, कुनेन किससे प्राप्त होता है? कुनेन दोस्तों सिनकोना से प्राप्त होता है। क्या कुनेन? इसके बाद अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो वह कौन सा? पुष्पक्रम होता है। पुष्पक्रम को खाने योग्य भाग कहते हैं पत्ता गोभी को। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिनको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इसमें क्या कमी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।